अज़ीज़ तलबा, इससे पहले हमने मुख्तलिफ़ मिसालें हल किए। यहाँ हम कमीशन किस तरह मालूम किया जाता है इसके मुतालिक मिसाल हल करेंगे। अहमद ने दलाल की मारिफत 25 लाख रुपये में मकान ख़रीदा। दलाल का कमीशन 5% हो तो कमीशन मालूम कीजिए, और अहमद को मकान की कितनी कीमत माँ कमीशन अदा करना होगी। इस यहाँ पर सबसे पहले हमें दलाल का कमीशन मालूम करना होगा। मकान की ख़रीद कीमत 25 लाख रुपये है, दलाल का कमीशन 5% है, तो आइए पहले कमीशन मालूम करते हैं। कमीशन 5% है, इसलिए 25 लाख का 5% मालूम करेंगे हम। दो सिफर से दो सिफर कट गए, 25 पंजे 125, और यहाँ 3 सिफर बचते हैं, यानी 1,25,000 रुपये कमीशन हुआ। मकान की ख़रीद कीमत 25 लाख रुपये है, 25 लाख और उसमें 1,25,000 कमीशन जमा करना होगा। इस तरह मकान की कुल कीमत 26,25,000 रुपया होगी, यानी मकान की कीमत 25 लाख रुपये है, लेकिन कमीशन के साथ वो 26,25,000 रुपये में, और 1,25,000 रुपये हमें कमीशन अदा करना होगा। इस तरह हम मुख्तलिफ़ चीज़ों पर दलाल का कमीशन दिए गए फ़ीसद की बिना पर मालूम कर सकते हैं।